लोकसभा रे पास होइछे ट्रिपल तलाक बिल। ए बिल सपक्ष रे 303 वोट पड़िथिया बळे विपक्ष रे पड़िछि मात्र 82 टी वोट। बिल रे वर्तमान स्वरूप को नै विरोधी आपत्ति उठाइछन्थि। आजि दिन तमाम ट्रिपल तलाक बिल उपरे आलोचना होइथिला लोकसभा रे एवं यहा परे वोट अनुष्ठित होइथिला जोंथरे कि 303 वोट रे ए बिल पास होइछि लोकसभा रे। ट्रिपल तलाक बिल जहा कि दीर्घ दिन धरी पूर्व सरकार समय मोदी सरकार ताकू लोकसभा रे उपस्थापन करते लोकसभा गृहत होता कि राज्यसभा अटकी गला जो कि आईन में परिणत हो पार ना ऑर्डिनेंस माध्यम आईन को कार्यकारी कराइले सरकार किंतु पुणी थे सरकार गठन पर आउ थे लोकसभा पास कर आवश्यकता पड़ा। चलित बजेट अधिवेशन में मोदी सरकार बिल को पुणि थे आगत करते आज ताकने आलोचना पर भोटिंग होता जो थे कि बिल टी पास होई और विजु जनता दल ए बिल को समर्थन कर लोकसभा। आज लोकसभा आगत होता यह बिल आईन मंत्री रविशंकर प्रसाद आज लोकसभा बिल को आगत करने सहित मुस्लिम महिला को न्याय प्रदान उपर जोर देते आलोचन भाग नहीं बिल को समर्थन करता विजु जनता दल बीजेडी। बीजेडी सांसद अनुभव महांती निज वक्तव्य में ओडिशा सरकार और मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महिला सशक्तिकरण पदक्षेप उपर आलोकपात करते ट्रिपल तलाक बिल रे केतक संशोधन जरूरी बोली अनुभव कहते। ट्रिपल तलाक पीड़िता उचित न्याय सहित आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को यह बिल रे स्थान दिया आवश्यक बोली बीजेडी सांसद दावी कर। I rise to support the bill which is in favor of the Muslim women. We are in complete agreement with the government as far as the letter and intent of the bill stand, but now I wish to point out certain issues that should be addressed in the bill. That the act of triple talaq will result in imprisonment up to 3 years for the husband, there is no clear provision as to how the incarcerated person will provide maintenance to the wife. ट्रिपल तलाक बिल को ऐतिहासिक बोली कहते बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी आलोचन भाग नहीं अपराजिता कहते बिल केवल कौन से एक निर्दिष्ट समुदाय महिला को न्याय देवा नुहे बरम पूरा महिला समाज सशक्तिकरण उद्दिष्ट। Muslim women or Hindu women, we are talking of human beings. And sir, I must tell you that this particular day is a historic day. There cannot be better time than today to put an end to such regressive notions of patriarchy which treat women in an undignified manner. Shah Bano case would not have happened had this act been there at that point of time. Allowance, allowance. We have to have the allowance. Subsistence allowance has to be given.